बच्चों के पालन पोषण व सही गलत सिखाने का सभी माता पिता के पास अलग अलग तरीका होता है। कोई डांट कर तो कोई प्यार से बच्चों को सही चीज़ें सिखाता है। गलती करने पर भी बच्चों को सज़ा देने का तरीका भी माँ बाप के पास अलग अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी आपको नहीं पता होता है कि आप अनजाने में बच्चों को गलत तरीके से सिखा रहे हैं या फिर उन्हें सज़ा दे रहे हैं। ऐसा करने से बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से बच्चों को सिखाएं, वो उनकी गलती पर किस तरह से सजा दें। अपना गुस्सा बच्चों पर न निकालें। कभी कभी माँ बाप अपने ऑफिस का गुस्सा या किसी और बात का गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। माता पिता गुस्से में अपने बच्चों को उस गलती की सज़ा दे देते हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। बच्चों को अनुशासन सिखाते वक्त अपनी दूसरी समस्या और गुस्से को अलग रखें। किसी तरह का लालच न दें। अधिकतर जब बच्चे बीच सड़क पर या कहीं भी शरारत करने लगते हैं या नखरे दिखाते हैं तो माता पिता उनको तरह तरह चीज़ों की लालच देने लगते हैं। अगर वो सही से रहेगा तो उसे आइसक्रीम या खिलौना मिलेगा। ऐसा करना बेहद गलत है क्योंकि इसके बाद भी बच्ची सही बर्ताव करने के बदले आपसे अपने डिमांड को पूरा करवाने की कोशिश करेगा। पब्लिक में न चिल्लाए। अधिकतर माता पिता बच्चों को किसी मॉल में, पब्लिक प्लेस में या फिर किसी पार्क में ही डांटना शुरू कर देते हैं। इस दौरान बच्चा आपकी बातें न सुनकर वो इस बात पर ध्यान देने लगता है कि आसपास के लोग सुन रहे हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को एकांत में उसके व्यवहार के बारे में बताएं ताकि वो अपने बुरे व्यवहार को छोड़ सके। ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट न करें। माता पिता अपने बच्चे की छोटी गलती पर भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। इस कारण बच्चा अपने सफाई में जो बात कह रहा होता है आप उसे सुन नहीं पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जब आप बच्चे से चिल्लाकर बात करते हैं तो सुनना बंद कर देता है या फिर आपकी ही तरह चिल्लाने लगता है। इसलिए उसकी गलती पर चिल्लाने की बजाय उसे सज़ा देने की बात कहकर डराएं। तो ये थी कुछ बातें जो माता पिता को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।